अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप प्लीज सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। यहाँ जी हमारे घर पे आए हैं बहुत ही खूबसूरत से पिजन्स, इनका जोड़ा लेकर आए हैं पिजन्स का। और यहाँ मैं आपके साथ झटपट आज 10 मिनट्स में मसाला पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। आगे ब्लॉग में बहुत कुछ है तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा आज। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया और इसके अंदर मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के मैंने चॉप्ड करके मैंने लहसुन डाल दिया, क्योंकि ये झटपट जो है 10 मिनट पास्ता है तो इसको झटपट बनाना है। आप जो घर में जो भी है ना, बस आप इसको मिक्स करें और बहुत मज़ेदार सा पास्ता रेडी होगा। मैं जब बच्चों को भूख लगी हो तो आप चुटकियों में 10 मिनट में आप पास्ता रेडी कर लें। अच्छा, इसमें मैंने ना 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड की है और इसमें मैंने फजीता सॉस का मेयोनेज़ ऐड किया है 2 टेबल स्पून ही। इसमें मैंने चिली सॉस ऐड किया है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस मैंने लिया, आपके पास नॉर्मली हो आप वो भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है सिरका ऐड किया है और इस सॉस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करेंगे कि इसको हल्का सा हम पका देंगे। के लिए मैंने सॉस पका दी। अब इसमें मेरे पास कैप्सिकम पड़ी हुई थी तो मैंने इसको फाइनली चॉप्ड करके बारीक बारीक जो है कैप्सिकम ऐड कर दी, ताकि बच्चों के मुंह में भी ना आए और बच्चे इजीली खा भी लें। और इसके अंदर मैंने 2 से 3 चमचे जितनी मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर लिया था। अच्छा, अब स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून ही हल्दी ऐड की है और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि सोया सॉस हमने ऐड किया हुआ था। केचप में भी ज़्यादा सॉल्ट होता है, मेयोनीज में भी, तो आप जो है सॉल्ट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जब 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने व्हाइट पेपर ऐड किया और इसको खूब सारा हम स्पाइसी सा बना रहे हैं, मसाला पास्ता बना रहे हैं, तो इसके अंदर मज़ेदार से हमने मसाले ऐड करने हैं। झटपट से पास्ते में तो मेरे पास चिकन तो थी ही नहीं, क्योंकि मैंने चिकन का क्या किया था, मैं चिकन टिक्के के पीसीस जो है जो बच जाता है, मेरे पास चिकन टिक्का बाहर से आया हुआ होता है, उसका जो पीसीस जो बचे हुए होते हैं वो मैं संभाल के रख लेती हूँ। जब मुझे इमरजेंसी पास्ता बनाना होता है तो वो मैं चिकन टिक्के के फ्रीज हुए हुए पीसीस जो है इसके अंदर ऐड करती हूँ। आप भी ये कर देखें, उससे इतना मज़ेदार पास्ते का टेस्ट आता है। पास्ता हो, स्पैगेटीज हो, जो हो उसमें आप ये चिकन टिक्के के पीस जो है आप ऐड करें, उससे और ज़्यादा मज़ेदार सा और स्पाइसी सा डिलीशियस सा टेस्ट आता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर चिकन टिक्के के पीस ऐड कर इसको फिर से मैंने 2 मिनट के लिए कुक किया, सारी सॉस को अच्छी तरीके से कुक करा। ना इतना थिक रखना है, ना इतना जो है लिक्विडी रखना है, इतना रखना है कि उसमें हमारा पास्ता अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। 2 कप जितना मैंने इसके अंदर पास्ता लिया था और उसको जो है बॉईल कर लिया था। बॉईल करने का तरीका तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है। और इसको 2 कप पास्ते को जो है मैंने सारी सॉस के अंदर मिक्स कर दिया और झटपट सा हमारा रेडी हो गया पास्ता। 2 मिनट तक हमने जो है पास्ते को सॉस के साथ मिक्स करके पकाना है बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। सॉल्ट वगैरह आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें कनौर क्यूब ऐड करना चाहो वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास जो जो चीज़ें थी उससे मैंने झटपट सा पास्ता रेडी किया था। फाइनली इतने कोई मज़ेदार और टेस्टी पास्ता बनता है, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। अगर आप इसमें और वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो फिर आप जो है पास्ता इंजॉय करो, मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और शाम को हम यहाँ निकल गए थे, कहाँ निकल गए थे, पार्क के लिए, क्योंकि मेरा जो है ना दिल बहुत ज़्यादा घर में बैठ बैठ के ना तंग पड़ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना नज़दीक मेरे घर के बाहर पार्क है, तो मैंने कहा क्यों ना आज वहाँ चले जाते हैं। आपको पता है घर में बिज़ी, बच्चों में बिज़ी, तो इतना कोई निकलना नहीं होता। मौसम भी बहुत अच्छा था, तो शाम को जो है हम पार्क की तरफ निकल गए थे। यहाँ पर जो है लेडीज़ पार्क है, तो इसमें जो है बच्चे और लेडीज़ वगैरह अलाउ हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम अंदर जाने से पहले ही ना हमने गोला ख़रीदा था, सेवियाँ ख़रीदी थी, पॉपकॉर्न ख़रीदे थे, क्योंकि यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना चटखारे टाइप की वो मिल जाती हैं, तो मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न ख़रीदे थे, सेव ख़रीदे थे मसाले वाले, और बच्चों के लिए जो है ना स्टिक वाला गोला ख़रीदा था।
अच्छा, छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स बना लिए थे गोला बनते हुए। मैं फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा गौर से देखा था, क्योंकि बचपन में ही आप देखते थे, उसके बाद जो बड़े हो जाओ, काफ़ी घर के मसले और दूसरे मसलों में लग जाओ, बस दिल कर रहा था कि आज मैं गोला बनते हुए पूरा देखूँ। तो मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप भी ले लिया था, पॉपकॉर्न बनते हुए भी और गोला बनते हुए भी। बचपन की यादें जो है ना, बड़ी मज़ेदार सी ताज़ा हो गई थी। खूब मज़ेदार सा कलर इन्होंने ऐड किया था, बचपन में बहुत खाया था। उसके बाद जो है कभी कभी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, आपको पता है, इन चीज़ों के बगैर जो है ना, उनका दिल नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर जो है अंदर कैंटीन भी है, लेकिन हम अमूमन आते हैं तो हम ये सेव ख़रीद देते हैं, पॉपकॉर्न और गोला ख़रीद देते हैं, क्योंकि कैंटीन का तो वैसे भी नॉर्मली आप पैकेट्स वाली चीज़ें खाते ही रहते हो। तो अगर पार्क में आओ तो इन चीज़ों से बंदा बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता है। यहाँ जो है हम अपना सारा सामान जो है लेकर बैठ गए थे, क्योंकि मैं आई थी, मैंने बोला था आप जो हो ना, जो जो लेना है ना, एक साथ लेकर बैठ जाओ। और उसके बाद जो है ना, हमने खाया था अच्छा घास वास, बहुत मज़ेदार सी ग्रो की हुई थी, क्योंकि आपको पता है कराची में खूब ज़बरदस्ती बारिश हुई है, तो उसकी वजह से प्लांट्स पौधे हरे भरे हो गए। तो यहाँ पर जो है ना, बहुत प्यारा वेदर था। तो आगे प्ले एरिया भी पूरा बना हुआ है बच्चों का, तो वहाँ पर खाने के बाद मैं बच्चों को वहाँ पर ले गई थी। यहाँ पर मैं असर के टाइम आई थी और मगरिब तक हम लोग रहे थे। उसके बाद जब अंधेरा होने से पहले ही मैं निकल गई थी वापसी के लिए, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा जितना आप लोगों ने ना प्ले करना है ना, उतना आप प्ले कर लो और उसके बाद जो है ना घर के लिए वापसी चलते हैं। यहाँ जो है सुबह दूसरे दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं बच्चों का लंच बना रही थी, तो बच्चों ने आज जो है ना मैगी का फरमाइश की थी, मम्मा मैगी बना कर दें लंच के लिए। तो इनके लिए ना मैगी बना रही थी, और ये जो है मुझे स्टिक चलाने का शौक चढ़ा है, मैंने दराज से ऑर्डर की थी, पूरा सेट इसका मिल रहा था, मंगवाई बच्चों के लिए थी। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखूं बच्चे किस तरह पकड़ते हैं, किस तरह होता है। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों के मैगी ना स्टिक से ही मिक्स कर आपको दूंगी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा आप भी सीख लें। अच्छा, व्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट में आप मुझे बताएँ प्यारे प्यारे कॉमेंट करके। यहाँ जो है मैं बच्चों के नूडल्स बना रही थी, और इनका हो रहा था लंच रेडी हो रहा था, क्योंकि रात को हम लोग खूब, आपको पता है, पार्क गए थे, वहाँ पर घूमना फिरना कर दिया था, तो बच्चे आते साथ जो है सो गए थे। तो फिर सुबह जो है आंख थोड़ी सी देर से खुली थी, तो बच्चे भी मेरे साथ लंच में ना, ये लोग सारे यहीं पर ही थे, ये कहते मम्मा हम जो है ना टिफ़िन वॉश कर देते हैं और उसके बाद जो है ना आप हमारे लिए मैगी बना लो। झटपट से मैंने मैगी रेडी की है और बच्चों को आज लंच में यही दे दिया। मैंने कहा आज मेरे से सैंडविचेस वगैरह नहीं बनते, तो आप जो हो ना झटपट से मैगी लो और स्कूल चले जाओ। अनस और उमैमा का टिफ़िन रेडी करना होता है मुझे, क्योंकि इनको हेल्दी लंच मुझे देना होता है, घर का बना हुआ लंच देना होता है। तो आज इन्होंने जो है मैगी भी लिया था और इन्होंने पैकेट वाले चिप्स भी लिए थे, दोनों चीज़ें टिफ़िन में डलवा ली थी। और उसके बाद बिस्किट और एक डोनेट जो है वो भी लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ये लोग सॉल्टी भी खाना पसंद करते हैं और उसके साथ मीठा भी, कुछ ना कुछ मुझे बिस्किट या केक इनको देना होता है। आपको पता है सुबह 7 बजे से लेकर बच्चे जो है दोपहर 1 बजे तक स्कूल में होते हैं, तो हेल्दी लंच भी दें बच्चों को, अच्छी तरीके से फुल ऑफ मील हो जाता है बच्चों का। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।